Yes, sir. Thank you, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. Thank you, sir. Sir. आपका ऑनर्स क्या है? मैथमेटिक्स. जी सर. और ऑप्शन सोशियोलॉजी. सर. मैथमेटिक्स आपने पढ़ा होगा. अच्छा सर. सर. अच्छा. कहाँ से आपने पास ग्रेजुएशन किया है? सर जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा. छपरा से किया है. मैथमेटिक्स में थेल्स का नाम सुना आपने? सर. कौन थे थेल्स? सर थेल्स ज्योमेट्री में उनका कॉन्सेप्ट है, थेल्स थ्योरम के नाम से, जो क्लास टेंथ में है. क्या है? सर अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड के मिड पॉइंट को मतलब कि सर ज्वाइन कराते हैं तो उनका सर जो रेशियो होता है साइड्स का वो सर इक्वल होता है 1:2 के रेशियो में. अच्छा. समरूप त्रिभुज और सर्वांगसम त्रिभुज में क्या अंतर है? सर सिमिलर ट्रायंगल और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में क्या अंतर है? सर सिमिलर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में सर डिफरेंस है कि सिमिलर में सर एंगल और जो होता है वो मतलब कि सर सेम होता है और साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, बट कंकरेंट में सर एक्चुअली एग्जैक्ट फिगर होता है. जैसे सर एग्जांपल पे ले तो एक ये बोतल है किनले का 1/2 लीटर और एक 1 लीटर हो गया, तो दोनों सर सिमिलर हो गया, बट 1/2 लीटर और 1/2 लीटर जो बोतल है वो कंकरेंट है. अच्छा. आप बताइए मुझे क्या है पाइथागोरस थ्योरम? क्या है सर पाइथागोरस थ्योरम? है सर राइट एंगल ट्रायंगल में सर हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. आपने कैलकुलस पढ़ा है? सर क्या है लिमिट? सर लिमिट सर सर इनफाइनाइट जो क्वांटिटी होता है सर इनफाइनाइट नंबर्स में उसका सर जिसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता उसका हम लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं सर डेल्टा प्लस 0 या फिर डेल्टा माइनस 0 पे बेसिस. डिफरेंशियस और डिफरेंशियल इंटीग्रल में क्या अंतर है? सर डिफरेंशियल में सर हम उसका सर डिफरेंशिएट करते हैं और किसका पॉइंट का जो स्लोप होता है उससे डिफरेंशिएशन पता करते हैं. सर इंटीग्रेशन में स्मॉल स्ट्रिप्स को इंटीग्रेट करके किसी लार्जर लूप का या फिर सरफेस एरिया को हम सर फाइंड करते हैं. अच्छा. भारत में ज्योमेट्री की शुरुआत हुआ सर, इसका इसको किस बुक से या किस ग्रंथ से मानते हैं ज्योमेट्री की शुरुआत? सर सर आई एम अनेबल टू सर रिकॉल, सॉरी सर अभी एग्जैक्टली याद नहीं, बट सर आप अलाउ करें तो मैं बेस कर सकता हूँ. सर भास्कराचार्य बड़ा में ही था सर. सुलु सूत्र है? सुलवा सूत्र है सर. यस, पहला ज्योमेट्री का पुस्तक माना जाता है सर. अच्छा. लीलावती ग्रंथ का नाम सुना है आपने? सर लीलावती सर सुना हूँ सर. गणित किससे किससे उसका संबंध है, विषय क्या है उसका? सर सर एग्जैक्ट तो सर रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, सॉरी, बट आप सर एलजेब्रा. एलजेब्रा से सर. सही, बीजगणित से. आपका सोशियोलॉजी विषय है सर? सोशियोलॉजी विषय है, तो बताइए कि ज्वाइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली दोनों के बीच डिफरेंस बताइए. दो डिफरेंस सर. ज्वाइंट फैमिली में सर डिवीजन नहीं होता है सर, जैसे कि ब्रदर्स हो गए, 2-3 ब्रदर्स हो गए. सर न्यूक्लियर फैमिली में वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, जैसे कि सर उनका जो भी मतलब कि सर फैमिलियल सोलिडरिटी होता है वो मतलब कि सर डिक्लाइन हो जाता है. सर ज्वाइंट फैमिली सर मतलब उसमें सर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स फैमिली में ज़्यादा होते हैं और आपस में सर हर इंटीग्रेट करते हैं, सर इकोनॉमिकली कोऑपरेट करते हैं और सर साइकोलॉजिकली कनेक्टेड होते हैं. धीरे धीरे सर इंडिविजुअल न्यूक्लियर फैमिली में ये कम होते जा रहे हैं. अच्छा. हिंदू धर्म में कितने संस्कार हैं? सर 16. 16 सर. 16वां संस्कार कौन सा है? सर 16वां संस्कार सर जिसको हम लोग अंत्येष्टि से कहते हैं सर. अच्छा. माँ के गर्भ में कितने संस्कार हो जाते हैं? सॉरी सर एग्जैक्ट तो याद नहीं है सर अभी. अच्छा, ये बताइए आप. रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं सर. अच्छा, कोई बात नहीं. आप मुझे बताइए कि गंधर्व विवाह क्या होता है? सर गंधर्व विवाह को अगर सर हम अभी करंट के सिनेरियो से देखें तो सर लव मैरिज होता है सर, जिसमें मतलब कि सर स्त्री और पुरुष दोनों आपस में स्वेच्छा से सर विवाह करते हैं. अच्छा. जो हमारा अरेंज मैरिज है वो कौन सा विवाह है? सर अरेंज मैरिज जो है जिसे माता पिता एक दूसरे के बात करके शादी कराते हैं, कौन किस विवाह में आएगा? सर वो आएगा गंधर्व. सर इस पर कुछ समय ले सर कॉल करने के लिए. लीजिए लीजिए बताइए. ब्रह्मा देव सॉरी सर. किसने कहा था मैन इज सोशल एनिमल, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है? सॉरी सर अभी कौन है? सोशियोलॉजी के फादर कौन है? सर अगस्त कॉम्प्ट. अच्छा. सोशियोलॉजी
पर अरस्तु का क्या रोल है? सर अरिस्टोटल का सर रोल सोशियोलॉजी में, सर रूसो ने कोई पुस्तक लिखी थी सोशियोलॉजी पर, सर सोशल सोशल कॉन्ट्रैक्ट सर, क्या उसमें कुछ भी, क्या है विशेष उसके अंदर? सर रूसो में सर सोशल कॉन्ट्रैक्ट में सर लिखे थे सर, रूसो में डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है सर। डेमोक्रेसी उसके अंदर, सर रूरल शैल बी रूलर शैल बी चूजन बाय द इंडिविजुअल इटसेल्फ। आपको हॉबी कुकिंग और डायरी राइटिंग है सर, दो डायरी राइटर का नाम बताइए भारत का और उनका डायरी राइटिंग में जो नेम दिया उन्होंने उसका भी नाम बताइएगा। सर डायरी राइटिंग हॉबी मैंने अभी सर रिसेंटली स्टार्ट किया है सर, और भारत के सर दो डायरी राइटर का नाम सर अभी Where have you completed your matriculation? Sir, Holy Mission School, Chapra, sir. CBSE board. Sir. So, आपने IC किया होगा? Maths. Sir. तो क्या सोच के आपने maths लिया फिर graduation? मतलब आपका मोटो क्या था मैथ्स लेने का टुवर्ड्स कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू? सर मैथमेटिक्स सर उस एक्चुअली सर जिस यूनिवर्सिटी से हम हैं तो वहाँ सर मतलब फ्रीक्वेंटली क्लासेस वगैरह उस मतलब कि सर प्रोवाइडेड होने में सर डिफ़िकल्टी होती है, तो सर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की तैयारी प्रिपरेशन मैंने किया था, तो सर मुझे लगा कि कहीं मैथमेटिक्स में आगे चल के मैं फिर मतलब कि सर एक फेमिलियर सब्जेक्ट था तो स्विच करने में आर्ट्स के साइड थोड़ा सा एक फियर था 12th स्टैंडर्ड पे, तो फिर मैं उसी को कैरी फॉरवर्ड किया था। फिर क्यों नहीं किया? सर मेरी सिलेक्शन सर हुई थी NIT नॉर्थ ईस्ट में, लेकिन मैं सर उस टाइम पे नहीं गया, वहाँ पे कुछ सर रीजनल कन्फ्लिक्ट था और फिर उसके बाद सर कुछ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस हो गए थे तो, और बाकी जो भी ग्रेजुएशन किया सर 2020 में सर 3 साल कैरी कर रहे हैं अभी सर, ऑलरेडी सर 66 BPSC के थ्रू सर मैं जॉब में हूँ। आप जॉब में किस वक्त पे? सर BPR। आप BPR सर चटिया सर इस चंपारण। तो आप तो सरकार से जुड़े हुए हैं सर, तो आपका क्या रोल रहता है डे टू डे, आप क्या करते हैं? सर बेसिकली हम लोग को सर पंचायती राज डिपार्टमेंट्स का ब्लॉक लेवल पे जो है एक तरह की नोडल पे हैं सर, हम लोग का मॉनिटरिंग रहता है ग्राम पंचायत स्तर पे, पंचायत सचिव पे और डिफरेंट जो भी सर स्टाफ है जैसे अकाउंटेंट्स एंड DAs, स्कीम इंप्लीमेंटेशन होता है सर जो भी 29 सब्जेक्ट्स में है पंचायती राज के थ्रू, ग्राम पंचायत पे जो भी इंप्लीमेंटेशन करनी है। पंचायती राज का क्या रोल? सर निश्चय 7 निश्चय 2 में पंचायती राज का सर, पंचायती राज का सर रोल इसमें है सर कि हर जैसे कि सर 7 निश्चय 2 में सक्षम महिला है या फिर सुलभ सुगमता है, 2 थीम है, तो पंचायती राज में सर सुलभ सुगमता में सर रोड कंस्ट्रक्शन करना है तो जो भी फंड 15वीं टाइड या अनटाइड से मिलती है सर या फिर सिस्टम राजमत आयोग से, तो उसमें सर कंस्ट्रक्शन रोड वगैरह या फिर सैनिटेशन वगैरह से करते हैं हम लोग, तो स्वच्छ गांव और समृद्ध गांव में भी सर निश्चित रूप में सर रोल पंचायती राज का होता है। निश्चय 1 में कौन कौन सी योजनाएं थी पंचायती राज में? सर निश्चय 1 में सर 7 निश्चय 1 में सर सर एग्जैक्टली अभी रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, सॉरी। वाटर सप्लाई का काम कराया आपने इसमें? सर तो उसमें क्या योजना का क्या क्या होती है? सर हर घर नल का जल, तो सर निश्चय 1 में शायद सर थीम सर निश्चय 1 का थीम सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, इसी वजह से इंटरलिंक कर रहे हैं। आप सही है, हर घर नल का जल है सर, ठीक है। तो उसमें मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आपने उस स्कीम में काम किया, काम करने का मौका मिला? सर अभी करेंटली सर कर भी रहे हैं सर। आप कर रहे हैं सर? अभी सक्सेस रेशियो है आपके? सर मेरे डिस्ट्रिक्ट में सर अभी जैसे कि 5,525 नल जल यूनिट्स हैं सर, जिसमें 127 नॉन फंक्शनल स्टेज में, मेरे ब्लॉक्स में है सर 225 में, जिसमें 5 नॉन फंक्शनल स्टेज में है अभी करेंटली सर। आप किस तरह से देखते हैं इस योजना को, क्या ये विफल है या सफल है? सर ये योजना सर काफ़ी सफल है और सक्सेसफुल है टू द ग्राउंड पे भी सर, क्योंकि बेसिकली सर मेरे नज़र में तो सफल नहीं है, क्योंकि हर घर तक पहुंच नहीं पाया वस्तुतः स्थिति है, अगर पहुंच भी पाया है तो वो प्रॉपर नहीं है। आपका क्या इस पे ओपिनियन है? सर सर
थोड़ी बहुत सर टेक्निकलिटी के कारण सर उसको विफल तो सर नहीं कह सकते हैं सर, मेरी राय है सर सर, लेकिन सर लार्जर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में सर ये योजना जो है सक्सेसफुल रही है, क्योंकि सर एक मतलब कि हर घर नल का जल सर, हर घर इन द सेंस में कि 100% तो सर अभी इंश्योरमेंट नहीं हो पाई है, क्योंकि कहीं कहीं सर प्रॉब्लम क्या है कि जब लग रहा था तो कोई लोग बहुत लोग सर यूजर चार्ज देने की वजह से भी कुछ कनेक्शन नहीं लिए हैं, तो बहुत सारे लोग का तो ये गैप रह गया सर। सोलर स्ट्रीट लाइट योजना भी पंचायती राज के तहत चल रहा है सर, वो विफलता की तरफ जा रही है, इस पर आप कितना अपना रख रहे हैं, क्या ओपिनियन है आपका? सर सोलर स्ट्रीट लाइट सर जो योजना स्कीम पंचायती राज के द्वारा चल रही है सर, ये अभी इनिशियल स्टेज में है सर, अभी इंस्टॉलेशन प्रोसेस भी सर सभी जगह नहीं हुई है, और सर मुख्यतः सर जो विफलता की ओर जा रही है सर, इसमें ये कॉमन नोशन सर PRI जो भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनके द्वारा बनाई जा रही है, कि ताकि वो एक तरीके से देख रहे हैं कि इसमें अधिकार की कटौती है, क्योंकि जो भी सर उसमें एजेंसी का सिलेक्शन है सो सेंट्रलाइज लेवल पे हो जा रही है, तो बट सर इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस अभी अंडर प्रोसेसिंग में है, और सर जहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी है डिपार्टमेंट को विभाग को सर सुधार के लिए अगर आपको सचिव बना दिया जाए पंचायती राज विभाग का सर, तो आप इस योजना में क्या फेरबदल करना चाहेंगे ताकि इसे सुचारू रूप से आगे? सर इस योजना में सर जैसे कि सर थोड़ा बहुत सर इसमें सर हम इंटरवेंशन सर ग्राम पंचायत के जो लीडर्स हैं माननीय मुखिया उनका सर इंक्रीज करेंगे, क्योंकि सर जो भी अभी क्वालिटी चेक होता है सर डिस्ट्रिक्ट लेवल से हो जाती है, क्वालिटी चेक में सर हम एक तरीके से उनको इनसिक्योरिटी होती है कि हम अपने स्तर से इसका क्वालिटी चेक मटेरियल का इंस्पेक्शन नहीं किए हैं, डिपार्टमेंट खुद ही सेलेक्ट कर रहा है अपने ऑफिसर्स के द्वारा इसका क्वालिटी चेक इंस्पेक्शन करा के इंस्टॉल कर दे रहा है, तो कहीं ना कहीं सर उनका हम इसमें पार्टिसिपेशन इंश्योर कराएंगे। आपने कहा मुखिया, तो मुखिया की क्या भागीदारी, क्या हर स्कीम में जरूरी है रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, इससे क्या लाभ होगा और क्या? सर सर मुखिया जो है सर एक जनप्रतिनिधि है सर, और मुखिया का सर भागीदारी इन द सेंस की ग्राम सभा की भागीदारी होती है सर, तो अगर मुखिया की सर भागीदारी को हम इंश्योर करते हैं इसका मतलब कि सर एक रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो 7000 जो भी इंडिविजुअल्स होते हैं ग्राम पंचायत लेवल पे तो उनको रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनके भागीदारी से हम ये इंश्योर करते हैं कि वहाँ के जो भी सर ग्राम सभा की इंटायर पॉपुलेशन है उनका वहाँ पार्टिसिपेशन है सर। और कौन कौन सा आप देख रहे हैं सर? अभी तो सात निश्चय में वन में सर हर घर नल का जल हो गया सर, सोलर स्ट्रीट लाइट हो गया सर, पंचायत सरकार भवन है सर, पंचायत सरकार भवन के बाद सर अभी नई स्कीम्स आई हैं सर कि मॉनिटरिंग करना है सर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को, हेल्थ से रिलेटेड अवेयरनेस करना है, जैसे कि अभी सर कालाजार डेंगू और चमकी जापानी इंसेफ्लाइटिस हो रहा था, तो हेल्थ मैनेजर के द्वारा हॉस्पिटल्स में थ्रू द वार्ड सभा एंड माननीय मुखिया के द्वारा ही सर डिस्ट्रीब्यूशन कराई जा रही थी पैकेट ऑफ दवा मेडिसिन की। वेस्ट कलेक्शन पे भी पंचायत का कुछ फोकस है, तो उस पे आप नहीं बता पा रहे? सर वेस्ट कलेक्शन में सर इंडिपेंडेंटली पंचायती राज के द्वारा अभी वर्क नहीं किया जा रहा, तो जॉइंटली सर रूरल डेवलपमेंट के साथ किया जा रहा है SLWM पे सर। क्या वो सर? वो लोहिया स्वच्छ भारत अभियान स्कीम है सर SLWM में सर, उसमें हर हाउस होल्ड में सर 2 pair ऑफ डस्टबिन देते हैं सर, ब्लू कलर और ग्रीन कलर की। ब्लू का सर सिग्निफिकेंस है सर, उसमें हम लोग सर वेट जो भी डिस्पोजल होते हैं उसको स्टोर करते हैं, ग्रीन में सर ड्राई को, और सर और एक हर ग्राम पंचायत में एक सर WPO वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट बनाई जाती है, वही जो भी सर वेस्ट डिस्पोजल होता है उसमें उसको डंप करके और फिर वहाँ पे उसको पहले सर जो भी वेस्ट होता है उसको सेग्रीगेट करके तब अलग अलग चैम्बर में डंप की जाती है सर। इसमें पंचायती राज का सर मतलब कि सर इन्वॉल्वमेंट है वही डस्टबिन परचेज में, और अभी फिक्सेशन कितना हुआ सर? रेट फिक्सेशन 100 rupees पर बकेट मैक्सिमम है। कितने लीटर का? 10 liter। सारण डिस्ट्रिक्ट से सारण क्यों फेमस है? सर सारण फेमस सर बहुत से कॉन्टेक्स्ट में है सर, अगर बेसिकली सर अगर देखें हमारे लीडरशिप में तो सर श्री जयप्रकाश नारायण सारण से बिलोंग करते हैं। सारण सर इन द सेंस में इसलिए भी फेमस है कि वहाँ सर आर्कोलॉजिकल साइट चिरांद है जहाँ सर न्यूलिथिक सर टूल्स मिलते हैं सर। वहाँ कोई CM भी थे पहले?
सर श्री दरोगा प्रसाद राय सर। चलिए ठीक है।